एकदम दमेरा देखा, वो ठंड में और बारिश में बहुत बढ़िया था। अभी ज़्यादा पानी नहीं था तो एक्चुअली में कम नदी चल रही थी तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा, बट बाकी टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि दमेरा वाटरफॉल फेमस भी है। अभी जा रहा हूँ दोस्तों जसपुर का टी गार्डन, अभी चलते हैं टी गार्डन और देखते हैं टी गार्डन यहाँ पर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा बोलते हैं, तो चलते हैं। और निकले जा रहे हैं दोस्तों, सर यहीं से लोकल हैं, वो लेके जा रहे हैं, तो चलिए एक लोकल सपोर्ट भी मिल गया यहाँ पर से, बता रहे 1.5-2 किलोमीटर दूरी में, हमने ऊटी में देखा था, अब हमारे छत्तीसगढ़ का चाय बागान देखते हैं। यहाँ दोस्तों ये भैया हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं दोनों भैया चाय बागान, यहाँ से लुई कोना करके कोई जगह पड़ती है वहाँ चलते हैं। चलिए चाय बागान बहुत देखा, बाहर का चाय बागान, ऊटी का चाय बागान हमने देखा, आप लोग को भी दिखाया था, और अब आज देखते हैं हम छत्तीसगढ़ जशपुर का चाय बागान, फेमस चाय बागान दोस्तों। यहाँ थोड़े थोड़े दूर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मतलब कि नदी के किनारे हर जगह ईंट के भट्ठे लगे हुए हैं, पक्के ईंटों के भट्ठे लगे हुए हैं, इधर होता है ईंट भी बनाया जाता है, जंगल हो सकता है। देखते हैं अगर चाय मिले तो चाय भी पी लेंगे यार, टेस्ट करने में क्या जाता है, शुगर फ्री। देख रहे हैं दोस्तों सारू डी चाय बागान, 20 एकड़ का क्षेत्र है दोस्तों, ये सारू डी नाम रखा गया इस चाय बागान का। अंदर इंटर कर चुके हैं, बड़ी हरियाली हरियाली इस तरफ, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, लेफ्ट साइड में चाय के बागान सजे हुए हैं। ये पहाड़ों जैसा बागान तो नहीं है लेकिन चाय का बागान जरूर है, आइए देखते हैं। अभी मैं दोस्तों पहुंच चुका हूं चाय बागान जसपुर, जिसका नाम है सारूडी चाय बागान, मेरे पीछे देख सकते हैं ये लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला है ऐसा बता रहे हैं। राइट साइड में भी देखिए आप दोस्तों, ये देखिए लेफ्ट का है और ये देखिए राइट में पूरा चाय बागान, जैसे हमने देखा था ऊटी में वो चाय बागान एक्चुअली पहाड़ पर्वतों जैसे कंडीशन में था, ढाल था, यहाँ उतना ढाल नहीं लेकिन ढाल फिर भी है पहाड़ प्रदेश को, बहुत खूबसूरत है ये चाय बागान भी दोस्तों। अभी अंदर और चलेंगे, हाँ अगर आप लेना चाहें दोस्तों तो चाय पत्ती आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाय पत्ती वगैरह जो भी लेना है। हम तो चाय बागान देखने आए, देखेंगे यहाँ ओरिजिनल चाय मिलेगा बिना मिलावट का, ऐसा भी है यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, एकदम अलग ही शांति मिल रही है यहाँ पे चाय बागान में दोस्तों। 800 एकड़ में है दोस्तों, अभी मैं आपको बताया 20 एकड़ एक्चुअली में, भैया जो हैं भैया से पूछते हैं 20 एकड़ की कितना एकड़ में है, 800 नहीं एक बार पूछ लेते हैं हम भी, जाऊँगा। ये देखिए पूरा आपको ऊपर से अगर व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं, व्यू पॉइंट दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी बना है पूरा वॉच टावर के जैसे है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा चाय गार्डन हर तरफ, बहुत सुंदर है यार ये, आप देख सकते हैं पूरा हर तरफ, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, बिल्कुल आप एक बार चाय बागान जरूर विजिट करें। पूरा पहाड़ी पर्वत है, मैं तो चढ़ नहीं सकता इसलिए मैं ऊपर वॉच टावर से ही आपको दिखा रहा हूँ मैं। देख देख कितनी खूबसूरत है, पीछे पूरे पहाड़ हैं बड़े बड़े, इस तरफ भी हर जिस तरफ देखेंगे दोस्तों चाय के बागान और ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी, लगेगा ही नहीं कि गर्मी का टाइम है यहाँ पे दोस्तों। मैं शुरू आप लोग को 20 एकड़ वाला था, ये लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ है और अलग अलग हितग्राहियों को ये अब गवर्नमेंट ने इसको लीज में दे रखा है। अब हितग्राही मतलब एक समूह इनका संचालन करते हैं, 800 एकड़ का है, 20-20 एकड़ का जिसमें प्लाट दिया जाता है। देख सकते जहाँ जहाँ तक आप देख पाएंगे सिर्फ चाय के बागान है, एकदम फ्रेश चाय है बिल्कुल, यहाँ से आप आइए चाय के, मतलब बहुत से लोग आते हैं। आप लोग भी बाहर से हैं भैया, कहाँ से आए हैं? कोरबा से। देखिए कोरबा से आए, मतलब कि जो लोग आते हैं जसपुर में तो विजिट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है ये विजिटिंग पॉइंट ऑफिस से। आइए चलते हैं, ये मैम इनसे भी बात कर लेते हैं क्या है इसके खासियत, फिर चलेंगे आगे। बहुत मज़ा आया मुझे तो यहाँ पे चाय बागान आके, दूर दूर तक गया मैं, फ़ोटो शूट भी करवाया मैंने, भैया लोगों ने अच्छे तरीके से गाइड भी किया यार। और एक्चुअली में कितनों भी गर्म यहाँ पे ठंडा बना हुआ है, इसलिए चाय की खेती भी होती जनरली क्या ठंडे जगह में चाय की खेती होती है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपकी वैसे भी सारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मिलेगा, मेरे चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी,
कौन बोलेगा इस फोटो या इस वीडियो को देखे कि अभी ये मतलब गर्मी का मौसम है, पूरा गर्मी है लेकिन फिर भी एकदम ठंडा बना हुआ है इसका। अच्छा भैया, ये जो यहाँ पे लगे हैं जो पौधे चाय के, इसके ऊपर पत्तों को तोड़ा जाता है क्या? जी जी, पत्तों जो पूरा इसको काट के मतलब जो ये अभी नया निकले है ना, इसको तोड़ा जाता है। अच्छा, जो नए पत्ते हैं दोस्तों ये तोड़ा जाता है बता रहे हैं, बाकी पूरा पौधा। तो इसमें बार बार फसल लिया जा सकता है? बार बार ये कटेगा, फिर उसके बाद होगा, फिर इसी में होगा, मतलब इसको बार बार बोने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको बोने की जरूरत नहीं, ऊपर के सिर्फ पत्ते को तोड़ के उसको सुखा के फिर यूज किया जाता है दोस्तों इस चाय को। ऐसे बार बार काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे आप लोग कमेंट में बताना यार, आप लोग कहाँ कहाँ का चाय बागान देखें, क्या आप लोग कभी छत्तीसगढ़ चाय बागान देखें, या अगर नहीं देखें तो आएंगे तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम आएंगे डेफिनेटली यहाँ से। फिर से सिंह भैया लोग से टाइम लेंगे, उनका बेशकीमती और हेल्प मांगेंगे कि वो हमसे फिर से हमें मतलब कि आप लोग के साथ एक्सप्लोर कराएं। तो यहाँ का जो लोकल यहाँ पे दिखिए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से ये प्रोडक्ट है, ये चाय है और यहाँ एकदम फ्रेश चाय है, पत्ती है इसको कन्वर्ट, सूखा कंडीशन भी नहीं है, इसको आप ले जा सकते हैं। ये कैसे पड़ता है ये पैकेट? वो डब्बा वाला ग्रीन टी 200 रुपये। ये दोस्तों ग्रीन टी ये बता रहे हैं 200 रुपये। आप ऐसे मतलब ऑनलाइन लेंगे या कहीं अदर शॉप से लेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ पे 200 रुपये बता रहे हैं। और ये क्या है? ये नॉर्मल चाय। ये कैसे पड़ता है? 100 रुपये। ये 100 रुपये का है दोस्तों, जबकि अगर आप रेड लेबल लेने जाते हैं या कुछ भी और लेने जाते हैं तो महंगा। ये इसका ओरिजिनल है, ये कोई रासायनिक चीजें इसमें मिले नहीं है। ये मतलब आप लोग कितने एकड़ में करते हैं इस खेती को? 20 एकड़। 20 एकड़ में? तो सिर्फ 20 एकड़ है कि इससे ज्यादा अलग अलग लोग को मिला है? नहीं, मतलब सब पूरा मिला के 20 एकड़। सब पूरा मिला के बता रहे हैं दोस्तों, 20 एकड़ के यहाँ पे खेती होती है। इनको जो मिला है ये भी एक हितग्राही है, डब्बे में भी आता है अलग चाय, नॉर्मल चाय। आए तो बिल्कुल टेस्ट करें, हम तो शुगर पर्सन है तो डेफिनेटली तो हम तो इसको यूज करते नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना तो अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे फैसिलिटीज हैं। आपको ही मैंने बोला कि गर्मी में भी अगर आएँ तो आपको ठंडा ही लगेगा, और सेकेंडरी बात क्या है कि ग्रीनरी देखने से आपका वैसे भी मन तृप्त हो जाएगा। भैया लोगों ने अपना पेट्रोल जलाकर यहाँ पे इतना टाइम दिया, इतना मतलब कि बेशकीमती वक्त, खास करके यहाँ लोगों के पास वक्त नहीं रहता, एक हम ही फालतू इंसान हो गए जो घूम रहे हैं इंडिया। तो यहाँ पे मैम जी ने भी यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताई, तो पहले तो मैं यार अपने और अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भैया जी का, भैया जी आपका नाम बताएंगे? विनय भैया का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, साथ में अर्जुन से, अर्जुन करके भैया हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद दिया आपने मुझे टाइम दिया और इतना मतलब कि अच्छी चीज़, क्योंकि जशपुर आए और अगर ट्री गार्डन नहीं देखे तो फिर मैं सोचता हूँ क्या मतलब है, क्योंकि सब लोग ऊटी जाते हैं सिर्फ इसी को देखने, छत्तीसगढ़ में जो पड़ा है उस चीज़ को देखने नहीं आ पा रहे थे। हम आए अपने आपको सौभाग्यशाली भी मानता हूँ यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला। तो ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से आपको कल एक नए वक्त के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।